नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कोटक सिक्योरिटीज़ का जो कोटक नियो ऐप है उसमें से नॉमिनी ऐड कैसे करना है अपने डीमैट अकाउंट में। सबसे पहले आपको कोटक नियो ऐप में लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा दूसरे नंबर पे, उसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी सारी ही अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको अपडेट नॉमिनी में क्लिक करना है। उसके बाद ये अलग टैब में हमको लेके जाएगा। यहाँ पे आपको येस आई विश टू ऐड नॉमिनी में वाले बॉक्स में क्लिक करना है, फिर प्रोसीड में आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ रही हैं पूरी, तो यहाँ पे आपको ऐड नॉमिनी का नाम डालना है, यहाँ पे नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है आपका वो डालना है, रिलेशन की आइडेंटिटी जैसे आप कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का आइडेंटिटी प्रूफ नंबर आपको डालना है, लास्ट 4 डिजिट डालनी है आपको यहाँ पे आधार कार्ड की, नॉमिनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप भी और नॉमिनी और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड नॉमिनी में क्लिक करके आप और नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी की एड्रेस डालनी है आपको, और यहाँ पे गार्डियन डिटेल, अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पे गार्जियन की डिटेल डालनी है, नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव में क्लिक कर लेना है। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई साइन के लिए आपको क्लिक करना है। ई साइन के लिए हमको NSDL के पोर्टल पे लेके आए हैं, आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी आधार नंबर डालना है। उसके बाद सेंड OTP में क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपको OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी OTP वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है नॉमिनी ऐड के लिए। ये कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ पे नॉमिनी ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ फ्यू स्टेप्स में आप अपने कोटक सिक्योरिटीज़ के जो डीमैट अकाउंट है उसमें नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप और भी कोटक नियो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।